सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, यह आप देखिए क्रॉस रोड जो कि हम अभी कटरातल से निकल के आए और यह एक क्रॉस रोड आता है। ये लेफ्ट साइड में तो जाएगा दिनारपुरा और इधर जाएगा गोठड़ा भोकरान और ये राइट साइड में जाएगा दादिया। तो आज हम जिस जगह का आपको विजिट कराएंगे वह रहेगा यह जो इस क्रॉस रोड से दादिया को, इनफैक्ट आप कह सकते हैं भाई कटरातल से, अरे यार आगे कट चल गो तारी गाड़ी तो दिखा यार। ये देखिए पेड़ वेड़ काट रखा, बड़े प्यारे से बच्चे, हेलो ये देखिए बच्चे मेहनत करते हुए सुबह सुबह और एंजॉय करते हुए जीवन को। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा सीकर शेखावाटी के अंदर, किस प्रकार से जो हमारा ग्रामीण जीवन है जो सुबह शुरू होता है। और इसी क्रॉस रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड है, यहाँ से चार गाँव में हम निकल सकते हैं, गोठड़ा भोकरान, दिनारपुरा, दादिया और कटराथल। तो हमने चूज़ किया आज दादिया का विजिट इस सड़क पे। आपको अखबार पढ़ना नहीं आता? ऐसे थोड़ी होता है यार, आप अखबार लेके बैठो भाई साहब ऐसा क्या? ये देखिए सर, इस चौराहे पे इन्होंने पानी का ये लगाया है, प्याऊ पक्षियों की आवाज़, कुछ पेड़ पौधे और ये गोगा जी महाराज का लोक देवता है, इनका मंदिर। जय हो गोगा जी महाराज की। और चलते रहिए, देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय दिनारपुरा, एक्चुअली में ये एरिया आता दिनारपुरा में ही है, बट अपन कटरातल से डायरेक्ट भी दादिया जा सकते हैं, लेकिन जो अंदर संपर्क सड़कों का विकास हुआ है वह हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। तो देखते रहिए किस प्रकार से यह है, सीकर शेखावाटी की सड़कें वगैरह डेवलप हो चुकी हैं और जो ऑल्टरनेट रास्ते हैं वह भी हम इससे आपको अनुमान लगता है कि कहाँ कहाँ इस प्रकार के रास्ते हैं जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बने हुए हैं, रात भी आप जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सड़क पर पानी आ चुका भाई साहब स्प्रिंकलर सिस्टम से, आपके सम्मान में, बीपीएसवी के सम्मान में। देखिए शानदार समृद्ध कृषक, बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं इन्होंने और समृद्धि का देखिए यही प्रतीक है कि आप वृक्षारोपण करें और समृद्ध बने। देखिए बर्ड्स की आवाज़ प्यारी सी, और ये संघर्ष चालू है, ऑटो के अंदर चारा काट के डाल दिया गया है, या तो निजी प्रयोग के लिए अथवा बेचने के लिए, दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं। ब्यूटीफुल ये देखिए भाई साहब सफ़ेदे का पेड़, बहुत ही नुकसानदायक पेड़ है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खींचता ज़मीन से। लगातार दिनारपुरा से हम दादिया की ओर अग्रसर जाते होते हुए सुबह का जीवन, ब्यूटीफुल प्यारी सड़क, ये रास्ते जो है बहुत ही शानदार बन चुके हैं सब जगह, मूलभूत ढांचा बहुत ही शानदार विकसित हो चुका है। जगह जगह देखिए आप सड़कों का जाल और द्रुत गति से भागते हुए स्वचालित दुपहिया वाहन, फार्म हाउसेस, ये देखिए आम के पेड़, अशोका के पेड़, बॉल के ऊपर ईगल, ब्यूटीफुल, कुछ गायें और भैंसें बंधे हुए, और ये चारा, हरा चारा, देखिए समृद्धि। सुबह की मेहनत, सभी लोग खेतों में लगे हुए हैं जनरली, देखिए जैसे शहरों के अंदर लोग बाग अभी इस समय जो है चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं अपने चौक में, बरामदे में बैठ के, और यह ग्रामीण क्षेत्र में संघर्ष चालू है दिनारपुरा से दादिया की ओर जाने वाली संपर्क सड़क। जुड़े रहें और बने रहिए, देखते रहिए इसी नवनिर्मित सड़क का युवा आनंद लेते हुए, और पहली बार इस सड़क को एक्सप्लोर किया गया है, आज से पहले किसी ने भी इस सड़क का जो वीडियो नहीं डाला है। और देखिए
सभी जगह कृषक लगे हुए हैं खेतों में। वाह, भव्य फार्म हाउस। जय सियाराम। मेहनत चल रही है। ये कृषक मेहनत करते हुए, और मेहनत ही है यार जो रिजल्ट देती है भाई साहब, स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य को भी बढ़िया रखती है और हेलो मन को भी बढ़िया रखती है, उसी से धन की उत्पत्ति होती है। तन मन जब मेहनत को के लिए लग जाता है तो धन उत्पत्ति होने में कहीं कोई समस्या आती नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये लो सर, बड़ी जल्दी आ गए हम तो। ये राइट साइड में आप देख सकते हो रेलवे लाइन, और अब हम इस अंडरपास से निकलेंगे और राइट साइड में जाएंगे। देखते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया गया है अंडरपास भी। अभी हमारा मेन इंटेंशन तो कटरा तल से ये दिनारपुरा से दादिया जाने का है। इतने सारे जो बन चुके भाई, सब जगह जगह देखिए आप, अंडरपासेस, ब्यूटीफुल सीकर। ये भी देखिए एक प्यारा सा फार्म हाउस विद ट्रीज, अशोका ट्रीज, ये एक इनके श्रृंखला है, लेयर लाइन, ब्यूटीफुल। इस समय जनरली क्या है, खेत खाली रहते हैं। आज है 12 जून 2024 और ये देखिए रास्ते पे कोई मार्किंग नहीं है। ये देखिए नेवला, ये नेवला एक चले गए यहाँ से। चुप क्या नेवला। अभी देख सकते हो आप एक युवा लोहे की सीढ़ी ले जाते हुए, मेहनत करते हुए, और मेहनत जो है यही आपके सबसे बड़ी कमाई है। धन तो ले जाके अपन क्या अंदर रख देते हैं, पर मेहनत होती है वो हमारे से हाथ चलती है हमेशा स्वास्थ्य के रूप में। साइकिल एक जरूर खरीदें, इसको प्रमोट करें साइकिल को। वाह यार, ये देखिए बड़ा प्यारा सा सुंदर सा एक मकान आ रहा है। इन्होंने भी देखिए एक अशोका की श्रृंखला खड़ी की है, 8-10 अशोका के ट्रीज हैं, और अंदर बगीचा है जिसके अंदर फलदार फूलदार पेड़ पौधे हैं, अति सुंदर। और पशुधन भी है, ये देखिए इधर भी, यही है वृक्षारोपण ही समृद्धि का प्रतीक है। महात्मा जी, अरे महात्मा जी, ये चलते रहिए देखते रहिए। तो दादिया के सरपंच साहब भी हैं, अरे महात्मा जी देख सकते हैं, ब्यूटीफुल शेखावाटी, ब्यूटीफुल सीकर, बड़ा सारा नीम का पेड़। देखिए इतना विशाल नीम का पेड़ नहीं देखा होगा आपने, काफ़ी समय पहले देखा होगा, मतलब बरगद के जैसा आकार ले लिया इसने, ब्यूटीफुल। और सड़क तो आप देख ही रहे हो, मस्त वाली है, शानदार, लवली। बालाजी ठिकाना जीरटी MS शेखावत, वाव। यहाँ भी एक श्रृंखला है आड़ू के वृक्षों की, और पक्षियों की चहचहाहट बहुत ही कर्णप्रिय एक आवाज तो पैदा करते हुए। ये देखिए ट्रैंक्विलाइज्ड एंड काम सोसाइटी है सारी, मेहनत करोगे। वाह, सैंड पाइपर। देखिए इधर भी छोटी छोटी जो बाड़ियाँ हैं इसके अंदर भी कृषक लगे हुए हैं सुबह सुबह। मात्र शक्ति सभी का योगदान है। प्याऊ लगाई रखी है, भीड़ी बना रखी है, आंवले का पेड़ शानदार, लवली। इधर भी एक देखिए छोटी सी बगिया चीकू के पेड़,
और भी न जाने क्या क्या, श्रृंखला स्वचालित वाहनों की इसी सड़क पे दिनारपुरा से दादिया। वाव, चलते रहिए, देखते रहिए। ये कृषक ने अभी केमिकल का बॉक्स पीछे टांग रखा है, इन्होंने स्प्रे किया है। इधर भी देखिए बच्चे भी लगे हुए हैं खेतों में छुट्टियों के अंदर एंजॉय करते हुए। वाह लवली, यह एक टायर पंचर हो गया इसका, चारे की गाड़ी का। अरे यार ऐसा होना नीचे, ये भी एक संघर्ष देखिए, घोड़ा गाड़ी पे मात्र शक्ति संघर्ष इनका भी चालू है। देखिए संघर्ष 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 ही सफलता की एक कुंजी है। संघर्ष बना रहेगा तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एंजॉय जरूर करें, साइकिल भी खरीदें। देखिए आप सभी जगह लगे हुए, ये कांटे की बाड़ लगाते हुए कृषक एक। ये सियाराम भाई जी मेहनत में लाग रहे हो, बाउंड्री का निर्माण हो रहा है आपके हैं छड़ी से। चलो देखो ये सर, ये जो ये सर्वोदय बस्ती आ गई सर, दादा ला दिया। ये कौन सी बस्ती है देखते हैं। सर्वोदय मतलब सबका उदय हो, इस हिसाब से नाम है इसका सर्वोदय बस्ती का। नहीं क्या हो गया, क्या हो गया हैं, कहीं रोने वाले बकरी ने हैं, पानी पिला तो यार, तू पैसा खाई को रख रहा है। आगे रस तो है क्या बेटा। ये है यार देखिए यार, आई वाह, सैंड पाइपर को देखो, लवली कंटिन्यूसली अपने को ये वो करते हुए। ये सर्वोदय बस्ती में गेंदे के फूल की कॉलोनी। जय हो बाबा साहब का झंडा लगा हुआ यार, जय हो बाबा साहब की, जिन्होंने महिलाओं के प्रति और समाज के पिछड़े तबकों के लिए इतना कार्य किया और खुद बिना किसी प्रिविलेज के इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो मैं तो इनसे हमेशा प्रेरित रहता हूँ। पिला पिला बेटा, पानी पिला इसको। ये कह रहा पानी नहीं पिलाया इसको, इसलिए चिल्ला रही है। वाह, अरे भाई साहब तू क्यों उछल रहा है यार। ये है भाई साहब एक डॉग, ये भी उछल रहा है जोर जोर से, उछलना खैर स्वभाव है इसका, गलत नहीं है। अब चलते हैं अपन आगे। तो हमारा जो आज का टारगेट था, बरगद के पेड़, कुछ कोयल की कुहू, देखिए सघन वृक्षारोपण जगह जगह किया गया है। यह भीड़ है सर्वोदय बस्ती में स्थित। जय सियाराम भाई साहब। यार इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। ये देखिए सर पानी वानी के मटके रखे हुए हैं भाई साहब ने, बड़े शानदार प्याऊ का निर्माण किया है। देखो आप परमानेंट प्याऊ है ये, पहले जो बनाया करते थे ना कूचे से, वो नहीं है। और इसके ऊपर आपने परिंडा भी रखा है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो प्रकृति से जुड़े यार, पशु पक्षियों से जुड़े भाई साहब, यही हमारे जो कल्याण में है, जो सहायक होंगे। ये देखिए आप जंगलात के आप भाई साहब जो हैं, बढ़िया जो नेचुरल हवा खाते हैं, यही है क्या आपका घर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया यार, पशु आहार की दुकान है आपकी। चलो चलो, शहरों की तरफ आकर्षित होने लग गए ना लोग बाग। हाँ, ज्यादा शहरों की तरफ आकर्षित हो, वो थोड़ा सा है। तो वृक्षारोपण अच्छा है, मतलब वृक्षारोपण होना चाहिए सभी जगह, संरक्षण भी करना चाहिए, मेरे तो ये मानना है। चीकू भी लगा रखा आपने, चीकू लगते क्या इसमें। चलो चलो यार, ये देखो वृक्ष प्रेमी भाई साहब है दादिया के, और इन वृक्षारोपण के प्रति ये भी अपनी बहुत ज़्यादा वो संवेदना रखते हैं, संवेदनशील है। और आप लोग भी हो भैया, पेड़ वेड़ लगाओ यार, तो सुख पाओगे, नहीं तो कोरोना में दुख पा रहे थे वैसे हो जाएगा काम। ये गिलोय भी लगा रखी है इन्होंने गेट पे, आपके जो ऑटो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता। तो हम अब आ गए हैं, हमने आपके सामने चर्चा की है एक युवा से,
इन्होंने कहा अभी ग्रामीण क्षेत्र में तो है अभी भी लोगों में इसका क्रेज वृक्षारोपण के प्रति या प्रकृति के प्रति, शहरों में कम हो गया। यही चीज़ें बचाती है। अब देखो इतने बड़े जंगल के बीच में रहते हैं, है सरकारी है जंगल, लेकिन इसकी ऑक्सीजन भाई साहब लेके देखे कितने मस्त ये ग्रीन हाउस, टॉयलेट भी वगैरह लगा हुआ है, स्कूल वगैरह हो सकता है यार इस तरह, पानी की टंकियाँ वगैरह सब लगी हुई हैं। तो ये था एक हमारा विजिट जो हमने दिनारपुरा के क्रॉस रोड से स्टार्ट किया था, और हमारा लक्ष्य था कि आज हम दादिया तक जाएंगे और आपको इस सड़क का हम टूर कराएंगे, देखेंगे क्या बना हुआ है क्या नहीं है, क्या किस तरह से लोग बाग जो है सुबह सुबह मेहनत करते हैं, प्लस मैं स्वास्थ्य के प्रति जो इनकी रुझान रहता है, इसकी स्वास्थ्य की गुणवत्ता को पाने के लिए, वह हम आपको दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों आज का यह वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी ज़रूर करें, और सीकर शेखावाटी को प्रमोट करें, क्योंकि यह एक इस प्रकार की भूमि है जहाँ पे ऊर्जावान लोग रहते हैं, मेहनती लोग रहते हैं, देश की सेवा वगैरह में और हर तरीके से अग्रणी हैं। और ये देखिए ये आ गया आपका दादिया। तो अब हम आपका आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।